Hello students, how are you? This is Vandana Srivastava. Today I am going to start your exercise 5E, and in this video I will explain you how to add the fractions. Fractions को कैसे add करते हैं, कैसे उनका sum हम find out करते हैं. So read question number 1. आपको जो fraction दी है 5 upon 8 plus 1 upon 8, दोनों के denominator same है. अगर दोनों के denominator same होते हैं तो बहुत simple है. Simply आप हम सिखाते हैं कैसे करते हैं. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक दिस फाइंड द सम. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 5 upon 8 plus 1 upon 8. तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. तो हमने डायरेक्ट नंबर लाइन ड्रॉ करके 8 लिखा और 5 plus 1 यानी न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो. 5 plus 1 6 upon 8, इसको हमने रिड्यूस कर दिया 3 upon 4. यहाँ पर भी देखिए एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे. 5 1 5 5 और 3 8, तो ये हो गई 8 upon 5 प्लस 5 2 10 10 और 4 14, ये हो गई 14 upon 5. अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 8 plus 14 upon 5 यानी 22 upon 5. अब इसको वापस आप मिक्स में ही आंसर देंगे. 22 upon 5 को हमने मिक्स में कन्वर्ट करा है डिवाइड करके, मैंने आपको सिखाया था एक्सरसाइज 5A में. तो जैसे यहाँ पर हमने इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लिया. अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे. सी हियर एग्जांपल, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 upon 9 plus 5 upon 6 जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है. देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है. तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेंगे. हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके दिखाया कितना आया 18. तो अब जो है वो आप 18 लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 18 लिखेंगे. अब क्या होता है, इसका जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर को जितने टाइम्स डिवाइड करता है ऊपर उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई होती है. यहाँ पे देखिए 9 18 को कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, 9 2 18, 9 18 टू टाइम जा रहा है, 9 2 18. तो ऊपर वाले नंबर में उतने ही टाइम मल्टीप्लाई होगी यानी कि 2 2 4. इसी तरीके से 6 3 18, तो 5 3 15 है. 6 ने 18 को 3 टाइम्स डिवाइड किया तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई यानी 5 3 15. अब इन्हें ऐड करेंगे, 15 plus 4 कितना हो गया 19 upon 18. इसे हमने मिक्स में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड करके. एक और एग्जांपल देखिए तब समझ आएगा. 4 upon 15 plus 7 upon 20 है. हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60. लाइन ड्रॉ की, 60 हमने लिखा. अब देखिए 15 60 को डिवाइड करेगा, 15 4 60 यानी ऐसे कर सकते 15 ने 60 को कितने टाइम्स डिवाइड किया, 4 टाइम्स. तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगी यानी 4 4 16. जो नंबर है वो तो रहता ही है और साथ में मल्टीप्लाई उतने टाइम्स होती है जितने नीचे डिवाइड होती है. ये देखिए 23 60, यहाँ पे 17 तो है, 23 60 3 टाइम्स गया यानी 70 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से. 17 3 51, इन दोनों को ऐड किया 67 upon 60, इसको हमने मिक्स में लिख लिया. और एग्जांपल देखिए, ये मिक्स में दे रखा है, पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 3 3 9 9 2 11 11 upon 3. इसके बाद 6 1 6 6 5 11 11 upon 6 प्लस 2 upon 1. हमने पहले से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया. अब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ 11 upon 3 11 upon 6 2 upon 1. यहाँ देखिए कुछ भी नहीं था डिनोमिनेटर, अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं. अब हमने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया 6. तो फिर से लाइन ड्रॉ की, अभी देखिए 3 2 6 2 टाइम्स गया तो 11 2 22, 6 1 6 1 टाइम गया तो 11 1 11, 1 6 6 6 टाइम गया तो 2 6 12. इन सब को ऐड कर दिया और फिर इसके बाद में इसको रिड्यूस कर दिया और मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया. इसी तरीके से हमें 2 3 4 5 5 मतलब मोर देन 2 3 4 5 6 कितनी भी फ्रैक्शंस दें हम उनको ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए 2 upon 3, फिर ये मिक्स दे रखिए, इसे सॉल्व किया, 6 3 18 18 1 19 19 upon 6 आया. इसे सॉल्व करेंगे, 9 4 36 36 और 2 38 38 upon 9. इसे सॉल्व किया, 18 2 36 36 और 5 41 upon 18. अब इनको हमने सॉल्व कर लिया. यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 18. लाइन ड्रॉ की, 18 लिखा, फिर 3 6 18, 6 टाइम गया तो 2 6 12, 6 3 18, 3 टाइम्स गया तो 9 3 57, 9 2 18, 2 टाइम्स गया तो 38 2 76, 18 1 18, 1 टाइम गया तो 14 1 41. सबको ऐड किया और उसके बाद में लिख दिया, रिड्यूस करा और फिर मिक्स बनाकर हम इसको लिख देंगे. मिक्स फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, 31 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसे मिक्स फॉर्म में हम लिख देंगे.
यहाँ क्वेश्चन देखिए, रोहित बॉट अ पेंसिल फॉर रुपीज 3 होल नंबर 2/5. रोहित एक पेंसिल खरीद रहा है कितने रुपीज की, 3 होल नंबर 2/5, एंड एन इरेजर फॉर 2/7/10. कहने वॉट इज टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स की टोटल कॉस्ट क्या है, दोनों की ऐड करेंगे. कॉस्ट ऑफ पेंसिल रुपीज 3 होल नंबर 2/5 को हमने सॉल्व किया, 5 3 15, 15 2 17, 17/5. फिर कॉस्ट ऑफ इरेजर 2 होल नंबर 7/10, तो 7 10 2 20, 20 और 7, 27/10. ये दोनों की कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स दोनों का ऐड कर दिया, 17/5 प्लस 27/10. फिर से देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये 5 है 10 है, तो हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया रफली, वो आया 10, तो 5 2 10, 2 टाइम्स गया, 17 2 34, यहाँ पर 10 1 10 वन टाइम गया, इसलिए 27 1 27, दोनों को ऐड कर दिया, 61/10 आ रहा है. इसको हमने मिक्स में लिख लिया, मिक्स में लिखना आपको मैं सिखा चुकी हूँ एक्सरसाइज ए में. डिवाइड करते हैं, जैसे 10 को 61 से डिवाइड करेंगे तो 10 6 60 1 बचा, तो जो आपका क्यूशेंट होता है वो आपका होल नंबर बनता है, जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमरेटर बनता है, 6 होल नंबर 1/10. रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. सोहिनी बॉट 4 होल नंबर 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर कुर्ता. कुर्ते के लिए सोहिनी ने जो क्लोथ बॉट किया वो उसकी लेंथ क्या है, 4 होल नंबर 1/2 एंड 2 होल नंबर 2/3 मीटर फॉर हर पजामा. और पजामे के लिए जो क्लोथ बॉट किया उसकी लेंथ क्या है, 2 होल नंबर 2/3 मीटर. तो कह रहे हाउ मच क्लोथ डिड शी परचेज इन ऑल, टोटल उसने कितना क्लोथ खरीदा है. तो लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर कुर्ता, कुर्ता के लिए जो क्लोथ है उसकी लेंथ क्या थी, 4 होल नंबर 1/2 मीटर. इसे हमने सॉल्व किया, 2 4 8 8 1 9, यानी 9/2 मीटर. देन लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर पजामा, पजामे के लिए जो किया था उसकी लेंथ 2 होल नंबर 2/3 मीटर, 3 2 6 6 2 8 8/3 मीटर. फिर टोटल लेंथ दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका 2 है, यहाँ पे 3, दोनों का एलसीएम लिया 6 आया, 2 3 6, 3 टाइम्स गया तो 9 3 27, फिर 3 2 6, 2 टाइम्स गया तो 18 2 16, दोनों को ऐड किया और 43 आया. इसको हमने मिक्स फॉर्म में लिख लिया. रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर इज 16 4/5 kg. एक सिलेंडर है जो कि खाली है, एम्प्टी लिखा है, उसका वेट कितना, 16 होल नंबर 4/5 kg, एंड इट कंटेन्स 14 होल नंबर 2/3 kg, और उसमें गैस कितनी है, 14 होल नंबर 2/3 kg. तो कह रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विद गैस. अगर गैस में सिलेंडर में गैस फिल्ड है तो टोटल वेट कितना होगा. तो वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर कितना था, 16 होल नंबर 4/5, इसे सॉल्व किया, 16 5 80 84 84/5. देन वेट ऑफ गैस कंटेन्स इन सिलेंडर, गैस का जो वेट है 14 होल नंबर 2/3 kg है, 14 3 42 42 और 2 44/3, ये हमने सॉल्व किया, यह है 44/3. तो टोटल वेट कैलकुलेट, वेट ऑफ सिलेंडर विद गैस, तो 84/5 kg, 44/3 kg, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम लिया, 5 3 15, 3 टाइम्स गया तो 84 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप रफ में करके देखेंगे तो 3 4 12, 3 8 24 एंड 25, कितना है, 252 रहा. फिर 3 5 15, 5 टाइम्स गया तो 44 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 4 20, 5 4 20 और 22, यानी 220 220, इनको हमने हमने ऐड कर लिया, 4 7 2 15, और फिर इसको हमने डिवाइड करके मिक्स फॉर्म में लिख दिया.